हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। आज मैं आपके साथ प्रोटेक्ट माय बॉस का नेक्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन कर रही हूँ। इससे पहले अगर आपने अब तक इस ड्रामा सीरीज़ के प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा हो देन आई सजेस्ट जरूर देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और मेरी वीडियोस पहली बार देख रहे हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, सियोना मुयुल से कह देती है कि हाँ, मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती हूँ, पर क्या तुम इसके लिए अग्री करोगे? मुयुल बिल्कुल शांत था, कुछ बोल ही नहीं रहा था। तो सियोना कहती है, तुम्हारी चुप्पी का मतलब तो यही है ना कि तुम्हारा आंसर ना में है, तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। इस पर भी मुयुल बिल्कुल शांत रहता है। देन सियोना घर आकर इस बारे में म्यूंग्रैन को बताती हुई रोने लग जाती है कि मैं आज एक बार फिर से रिजेक्ट हो गई। वहीं मुयुन भी इसकी कही हुई बातों को लेकर काफ़ी कुछ सोचता रहता है। वहीं दूसरे साइड ये दोनों लव बर्ड्स अपना टाइम इंजॉय कर रहे थे, काफ़ी लवी डबी हुए जा रहे थे। अब जब रात भर सो पाए नहीं थे तो रिटर्निंग में गाड़ी में ही सोने लग जाते हैं। ये दूसरा वाला असिस्टेंट किम उन्हें इस तरह से देखकर सोचता है, ये इतनी सुबह सुबह सो क्यों रहे हैं, आखिर रात भर कर क्या रहे थे। देन फिर नोयुन एक लिस्ट बनाने लगती है कि मुझे और चेयरमैन को फंसाने से आखिर फ़ायदा किसका किसका हो सकता है। उसके जहन में इन्हीं कुछ लोगों का ख्याल आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नोयुन को डायरेक्टर पार्क के साथ कुछ तो सस्पिशियस लगता है, तो उन्हें पीछे पीछे फॉलो करने लगती है। कुछ देर तक ऐसे ही फॉलो करती रहती है। फिर हेउन उसे यूं देखकर उसके पीछे आता है एंड उसे अपने साथ खींचकर ले जाता है। वहीं डायरेक्टर पार्क सोचते हैं, क्या इस लड़की को मुझ पर डाउट हो गया है। इधर हेउन अब नोयुन से कई तरह के क्वेश्चन करने लग जाता है। कहता है, तुम मुझे पिछले कुछ दिनों से थोड़ी वियर्ड सी लग रही हो, अब बताओ कि आखिर चल क्या रहा है। नोयुन कहती है, कुछ खास नहीं। लेकिन फिर हेउन के फोर्स करने पर कहती है, हाँ कुछ तो है, पर मैं तुम्हें उस बारे में अभी नहीं बता सकती हूँ, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। हेउन कहता है, क्यों, क्या तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, या तुम्हें मैं लायक नहीं लगता जो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हो। हेउन का गुस्सा देखकर नोयुन उससे हक कर लेती है, साथ ही कहती है, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं पक्का तुम्हें बता दूंगी। इस बार डायरेक्टर पार्क सियोना की मॉम से मिलते हैं एंड उनसे सारी अपडेट्स देते हैं। मतलब कि ये तीनों, एक तो मुयुन की मॉम, दूसरी ये लेडी और तीसरे मिस्टर पार्क, तीनों मिलकर अपना ही कुछ ना कुछ गेम खेल रहे हैं। इधर उस एडमिनिस्ट्रेटर को जो कुछ टाइम पहले नोयुन से मिला था, उसे एक इन्वेलप मिलता है जिसमें डीएन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की सारी इलीगल रिकॉर्ड्स थी। एडमिनिस्ट्रेटर अपने लोगों से उन्हें वेरीफाई करने का ऑर्डर दे देता है। आगे सियोना मुयुन से कहती है, अब जब तुमने मुझे हर्ट किया है तो उसकी भरपाई के लिए आज पूरे दिन तुम मेरे साथ हैंग आउट करने वाले हो। बट उन्हें एग्जैक्टली ये पता ही नहीं था, मतलब कि उन दोनों में से किसी को पता ही नहीं था कि आखिर उन्हें इस पूरे दिन करना क्या है। एक रैंडम कपल को देखकर सियोना उन्हें फॉलो करने लगती है कि चलो हम वही करेंगे जो वे लोग करेंगे। एंड सच में अब से ये दोनों उन्हें फॉलो ही करने लग जाते हैं। बट ये सब करते हुए दोनों को काफ़ी मज़ा भी आ रहा था। इसके बाद असिस्टेंट जैंग फाइनली चेयरमैन को बता ही देते हैं कि गलती से नोयुन ने उनके कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स को देख लिया था। चेयरमैन इस बात पर बहुत गुस्सा करने लगते हैं कि तुम एक सिंपल चीज़ तक ठीक से हैंडल नहीं कर सकते हो। तो वहीं नोयुन को दोबारा से एडमिनिस्ट्रेटर का कॉल आता है जिससे वो उनसे मिलती है। तब नोयुन को पता लगता है कि किसी ने उसी के नाम से उन्हें उन डॉक्यूमेंट्स की
कॉपी कुरियर की है। नुहन कहती है, पर मैंने ये नहीं किया है। इस पर ये कहते हैं, किया चाहे जिसने भी हो, पर हमने उस पर एक्शन लेनी शुरू कर दी है। यहाँ नुहन उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि आप मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं उनसे खुद ही बात करने की कोशिश करती हूँ। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि हेउन उन्हें बाय चांस देख लेता है। आफ्टर दैट नुहन डायरेक्ट चेयरमैन से मिलती है। उन्हें उसके सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को देख लेने से लेकर अब तक की सारी बातें बता देती है और चेयरमैन से रिक्वेस्ट करती है कि वे खुद ही ये सारा इल्लीगल फंड फ्रॉडिंग की गलती को एक्सेप्ट कर लें, नहीं तो इस पर कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन के हाथों उनकी वो डॉक्यूमेंट्स लग गई है। चेयरमैन को गुस्सा तो बहुत आता है और साथ ही ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है कि इन सब के पीछे उसी का हाथ है, मतलब कि उन्हें फंसाने वाले नुहन है। तो फिर गुस्से में उसे वहाँ से निकाल देते हैं। देन वहाँ से जाते वक्त नुहन की टक्कर डायरेक्टर पार्क से होती है, क्योंकि इसे उन पर डाउट हो गया था। सो एक कोने में ले जाकर इन्हें अच्छा खासा धमकाती है कि अगर आपको गेम खेलना ही था तो पीछे से मेरा नाम यूज नहीं करना चाहिए था, इसके लिए तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। नुहन अभी भी हेउन के क्वेश्चन करने पर उसे कुछ आंसर नहीं कर पा रही थी, सो हेउन गुस्से में उसे बीच रास्ते में ही छोड़ देता है। नुहन बेचारी ये तो खुद ही फंस चुकी है एंड इसे ये समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर अब करे तो करे क्या। इधर हेउन घर आता है तो उसके डैड उससे डायरेक्ट यही बोलते हैं कि तुम नुहन के साथ ब्रेकअप कर लो। हेउन कहता है, कुछ तो हुआ है और आप दोनों ही मुझसे वो छुपा रहे हो, एटलीस्ट आप तो बता दो कि बात क्या है। फिर हेउन के बहुत बार पूछने पर चेयरमैन उससे सारा मैटर बता देते हैं। देन कहते हैं नुहन को इस बारे में पता लग गया था, जिससे ये बात बाहर आउट हो गई। हेउन कहता है, और आप इसके लिए नुहन को रिस्पॉन्सिबल समझ रहे हो। चेयरमैन कहते हैं, मुझे ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं पता, पर फिलहाल के लिए शक के घेरे में तो वही है। हेउन उनसे पूछता है, पर आपने ऐसा किया ही क्यों। चेयरमैन रिप्लाई करते हैं, तुम्हारे लिए, मैं कैसे भी कर तुम्हें मेरे बाद हमारी कंपनी का नेक्स्ट सक्सेसर बनता हुआ देखना चाहता हूँ। हेउन कहता है, पर मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। डैड कहते हैं, बट फिर भी मैं तो चाहता हूँ ना। देन फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस में नुहन हेउन से सॉरी बोलती है कि उससे कुछ भी छुपाई नहीं चाहिए थी, और फिर उन कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स के बारे में सारा कुछ बताने लग जाती है। हेउन कहता है, मुझे ऑलरेडी इस मैटर का पता लग गया है। नुहन कहती है, तो क्या तुम भी मुझ पर डाउट कर रहे हो कि मैंने इसे बाहर में आउट किया। हेउन कहता है, नहीं, मुझे इतना तो पता है कि तुम ऐसी हरकत नहीं कर सकती हो। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कंपनी में रेड पड़ जाती है। काफ़ी सारे ऑफिसर्स आते हैं और वहाँ चारों तरफ फैल जाते हैं। उनके पास प्रॉपर सर्च वारंट था। सभी के सभी ही परेशान हो जाते हैं। वहीं चेयरमैन, उनका तो हालत ही खराब रहा था। सस्पेक्ट के बुनियाद पर ये सारा एक्शन लिया जा रहा था। डायरेक्टर पार्क अपने दोनों बॉस को ये न्यूज़ बता देते हैं। यहाँ मैटर ये है कि ये दोनों लेडीज आपस में फ्रेंड्स हैं। मुहन की मॉम मिस्टर चेयरमैन को हर्ट करना चाहती थी, पर शायद इस तरीके से तो कभी भी नहीं। और सियोना की मॉम का ये गेम खेलने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि उन्हें डीएन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में, जो कि हेउन की कंपनी है, उसमें इन्हें सब्सिडरी शेयर्स चाहिए थी। तो मेन ये सारा गेम इन्हीं का था। दूसरी साइड हेउन नुहन से पूरा गुस्सा हो जाता है। इसके कितना भी बोलने पर उससे सही से बात नहीं करता। और चेयरमैन, उनकी तो तबीयत ही बिगड़ जाती है, सीधे स्ट्रेचर पर आ जाते हैं। और ये सभी के सभी मीडिया की नज़रों में आ गए थे। इधर मुहन भी अपनी मॉम पर गुस्सा करता है कि उन्हें ये सब नहीं करनी चाहिए थी। मुझे इतना गिल्टी फील हो रहा है कि नुहन और हेउन, उन दोनों से पता नहीं कैसे नज़रें मिला पाऊँगा।
कि उन्हें फंसाने में मेरी मॉम का हाथ है। इस पर ये कहती हैं, मैं चेयरमैन को तकलीफ देना चाहती थी बट इस तरीके से नहीं, और ये मेरा काम नहीं है। सियोना को भी जब उसकी मॉम की इन्वॉल्वमेंट होने वाली बात का पता लगता है तो उसे भी इस पर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वहीं हर जगह इंटरनेट और सोशल मीडिया पर इनके ही बारे में बातें हो रही थी। नेक्स्ट डे कंपनी के सभी अथॉरिटी से बारी बारी कर इंक्वायरी होने लगती है। सबका प्राइवेट ओपिनियन लिया जा रहा था एंड नोयून डायरेक्टर पार्क को फॉलो करके ये जान लेती है कि इस पूरी मिस के पीछे उन दोनों लेडीज का हाथ है। नोयून ने मिस्टर पार्क की ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी और उस क्लिप से उन्हें डराकर इस बारे में पता लगाती है। हेउन तो उसके अगेंस्ट एविडेंस नहीं मिल पाने से बच जाता है बट चेयरमैन उनको सजा मिल जाती है और उनके साथ जेल में हम डायरेक्टर पार्क को भी देखते हैं। डिटेल्स तो नहीं दिखाते हैं कि कैसे, बट दोनों साथ ही अंदर बंद हैं। देन फिर आगे हॉस्पिटल में नोइन कोइंसिडेंसली उसी टाइम पर पहुंचती है जब दोनों बाप बेटे आपस में बातें कर रहे थे। दोनों को ही पता था कि ये सारा जो मिस फैला हुआ है उसमें नोयून का कोई हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी डैड कहते हैं, तुम नोयून के साथ नहीं रह सकते हो, तुम्हें ब्रेकअप करनी होगी क्योंकि मैं तुम्हें हमारी कंपनी को लीड करता देखना चाहता हूँ। हालांकि हेउन वो ऐसा कुछ करने के फेवर में बिल्कुल भी नहीं था, पर डैड उसे इसके लिए इमोशनली ब्लैकमेल करने लग जाते हैं। एंड इधर नोयून इनकी सारी बातें सुन चुकी थी जिससे उसे पूरा भी बहुत लगा था। वेल आगे नोयून अपने फ्रेंड के साथ सीधे इन लेडीज़ के पास आती है। इन्हें डराने के लिए सबसे पहले इनके बॉडीगार्ड्स को ठिकाने लगाती हैं जिससे ये भी डर जाती हैं और बेचारे बॉडीगार्ड्स वे तो भाग ही जाते हैं। देन नोयून इन लेडीज़ का क्लास लगाती है, कहती है, आई नो आपके पास पावर है बट इसका मतलब ये तो नहीं कि आप लोग उसका यूज किसी निर्दोष को फंसाने में करोगे। बीच में मुझे क्यों फंसाया? मैं आप लोगों को वार्न कर रही हूँ कि अगर इसके आगे आप लोग अपनी हद में नहीं रहीं तो मैं भूल जाऊँगी कि आप कौन हो। इन दोनों का तो हालत ही ख़राब हो जाता है। इसके बाद हेउन नोयून को कॉल कर उससे मिलने का प्लान बनाता है। नोयून इस दिन के लिए थोड़े स्पेशल तरीके से रेडी होती है, फुल मेकअप सेकअप करती है जैसे कि डेट पर ही जाने वाली हो। हेउन उसे डॉल की तरह इतना प्रीटी लगता देखकर कॉम्प्लीमेंट्स भी देता है। फिर दोनों साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, नॉर्मल कपल्स की तरह मस्ती करते हैं, साथ ही काफ़ी खुश भी दिखते हैं। सब होने के बाद लास्ट में हेउन कहता है, मैं हमारे डेटिंग से थोड़े टाइम के लिए ऑफ लेना चाहता हूँ। मतलब कि वो ब्रेकअप वर्ड यूज नहीं करता है, उसे बस कुछ टाइम के लिए इससे छुट्टी चाहिए थी। और शायद कहीं ना कहीं नोयून को इस बारे में आइडिया तो लग ही गया था, सो उसका एक्सप्रेशन तो सॉफ्ट नहीं लग रहा था। इस एपिसोड में इतना ही, तो देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। आगे और इस ड्रामा सीरीज के 3 एपिसोड्स रह गए हैं जिसे मैं अपने आने वाले आई थिंक 2 वीडियोस में एक्सप्लेन कर ही दूंगी। तो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट फ्रेंड बिकॉज आगे की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसका एंड भी काफ़ी जल्दी होने वाला है। सो टेक केयर, बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन।